चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एकदम नई चटपटी रेसिपी। जी हाँ, पेनमिल। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी पेनमिल बनाने का तरीका। पेनमिल समोसे का ही एक दूसरा रूप है। अगर आपको घर में समोसे खाने का मन कर रहा है, आप बाहर से नहीं जा सकते हैं, बाहर से नहीं मंगा सकते हैं, और आपको ऐसा लगता है कि समोसे बनाने में तो बहुत टाइम लगेगा, तो आप ये पेनमिल बनाइए। बिल्कुल ही समोसे का छोटा भाई कहिए। और आप वीडियो में देख सकते हैं ये दिखने में कितना यमी लग रहा है, कितना सुंदर दिख रहा है, खाने में भी बहुत ही चटपटा लगता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पेनमिल बनाने के लिए मैंने यहाँ एक पैन में ले लिया है 2 टेबलस्पून ऑयल। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून जीरा, 1 टेबलस्पून जिंजर और गार्लिक क्रश किया हुआ। इन्हें हम अच्छे से भूनेंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 से 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। हरी मिर्च को भूनने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 बारीक चॉप किया हुआ मीडियम साइज का ऑनियन। हम ऑनियन को बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे, इसे हल्का पिंक होने तक भूनेंगे। देखिए हमारा यहाँ प्याज जो है हल्का पिंक भुन चुका है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टेबलस्पून गरम मसाला, 1/2 टेबलस्पून आमचूर पाउडर, 1/2 टेबलस्पून जीरा पाउडर। अब इन सारे मसालों को हम अच्छे से भूनेंगे। तो हमारे मसाले यहाँ अच्छे से भून चुके हैं और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 3/4 टेबलस्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। और अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना बॉयल मैश किया हुआ आलू। इनको हम अच्छे से मिक्स करेंगे मसालों में। मसालों में अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटी हुई धनिया पत्ती। इसे भी हम मसालों में अच्छे से मिक्स करेंगे और इस तरीके से हम अपना स्टफ़ तैयार करेंगे। और हमारा स्टफ़ यहाँ बनकर तैयार है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। और अब मैंने यहाँ एक बाउल में 200 ग्राम ले लिया है मैदा। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 4 टेबलस्पून ऑयल। और अब हम इसमें ऐड करेंगे अजवाइन। मैंने यहाँ 1/4 टेबलस्पून अजवाइन ले लिया है। इसको हम दोनों हथेलियों से इस तरीके से क्रश करके डालेंगे ताकि इसका अच्छा टेस्ट आए डो में। अब इन सारे इंग्रेडिएंट को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए हाथों से इसको बाइंड करने पर ये कितने अच्छे से बाइंड हो जा रहा है। ये देखिए, इसका मतलब ये है कि हमारा मोयन बहुत ही अच्छा हुआ है। हमारे समोसे में कुरकुरापन आए, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा मोयन अच्छा होना चाहिए। और अब हम इसका एक अच्छा सा डो तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो डो है यहाँ बनकर रेडी है। अब हम इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। 10 मिनट के बाद हम अपने इस डो को 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे और इसके पेड़े बना लेंगे इस तरीके से। पेड़े बनाने के बाद अब इन दोनों पेड़ों का हम रोटी तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर थोड़े से सूखे आटे स्प्रेड कर दिए हैं और अब हमारी यहाँ रोटी बनकर तैयार है। हम इसे बहुत ही ज़्यादा पतला नहीं बेलेंगे, थोड़ा मोटा ही रखेंगे। और हम इस पर स्प्रेड करेंगे अपना तैयार किया हुआ स्टफ़। यहाँ मैंने पूरी पूरी पर जो है स्टफ़ को स्प्रेड कर लिया है। इस पर स्टफ़ की लेयर भी हम थोड़ी मोटी ही रखेंगे और इसके बाद से हम इसको हल्के हाथों से इस तरीके से रोल कर देंगे। ये देखिए, जिस तरीके से आप वीडियो में देख सकते हैं। रोल करने के बाद अब हम इसे एक नाइफ़ की हेल्प से 1-1 सेंटीमीटर चौड़ी लेयर में हम इसको कट कर लेंगे। देखिए यहाँ हमारी पेनमिल बन करके तैयार है। यहाँ हमारी सारी पेनमिल्स बन चुकी हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में हम एक बाउल लेंगे। इसमें हम 1 से 2 चम्मच मैदा लेंगे और मैदे में पानी ऐड करके हम इसका एक पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट बनाने के बाद इस पेस्ट में हम अपने एक एक पेनमिल को
डीप करके, हमें इसे पूरा डीप नहीं करना है, हमें सिर्फ इसके आगे और पीछे के पार्ट को डीप करना है ताकि हमारे जो स्टफ किए हुए आलू हैं वो तेल में बाहर ना निकले। और उसके बाद से हम इन्हें मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। हम इन्हें मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे ताकि हमारा जो समोसा है वो क्रिस्पी बने। आप देख सकते हैं दिखने में कितना यमी लग रहा है फ्रेंड्स, ये खाने में बहुत ही चटपटा, बहुत ही यमी लगता है, बहुत ही फटाफट तैयार हो जाता है। थोड़े ही टाइम में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आप पैनवेज तैयार कर सकते हैं, समोसे का मज़ा ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।